अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर की बर्फ़ी। सर्दियों का मौसम है और आजकल गाजर बहुत अच्छा मिलता है और गाजर का हलवा बर्फ़ी सभी को बहुत पसंद है। तो चलिए गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करें। गैस चालू करें। कढ़ाई में कद्दूकस किया हुआ आधा किलो गाजर डालें। 2 कप फुल फैट दूध डालें और इसे अच्छी तरह चला लें और आंच मीडियम टू फास्ट रखें। अब इसे ढक दें पकने के लिए तकरीबन 20 मिनट। बीच बीच में चलाते रहें इस तरह। दूध और गाजर का पानी अच्छी तरह जब सूख जाए तो इसमें 100 ग्राम चीनी डालें। अगर आपको हार्ड बर्फ़ी यानी कड़क बर्फ़ी बनाना है तो 250 ग्राम चीनी डालें और इसे चलाएं और ढककर 5 मिनट पकाएं और चलाते भी रहें। चीनी की वजह से नीचे पकड़ लेता है। 5 मिनट पक चुका है। 2 बड़े चम्मच घी डालें। इसे अच्छी तरह चलाएं और 2-3 मिनट पकने दें। 3 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम डालें। गाजर का पानी बिल्कुल सूख चुका है, इसमें 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर मिला लें। 1/2 कप खोया डालें और इसे अच्छी तरह चलाएं। अब इसे गैस से उतार लें। कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालें, खोया डालें, 1 बड़े चम्मच चीनी डालें और इसे अच्छी तरह मिला लें। आंच बिल्कुल धीमा रखें। अब हमारा खोया अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। हमने ट्रे में बटर पेपर रखकर उस पर घी से ग्रीस कर दिया है। अब बैटर को अच्छी तरह फैलाएं। खोया भी अच्छी तरह फैलाएं। इसमें थोड़ा सा कटे हुए ड्राई फ्रूट डालें और दबाते हुए इस तरह बराबर करें और 1/2 घंटा के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। 1/2 घंटा हो चुका है। अब इसे काट लें। देखिए हमारा बर्फी बनकर तैयार हो चुका है। और हाँ, बटर पेपर रखें या न रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे बर्तन में घी लगाकर जमा सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।